देखिए टुकड़ा इतना फंसा हुआ था जिस कारण पेपर एरर आ रहा था। ऐसी कोई समस्या अगर आपके भी प्रिंटर में आ रही है तो प्रिंटर को बिना खोले प्रिंटर को सही कर सकते हैं। खुला रेट है HP स्मार्ट टैंक 581 प्रिंटर, जिसमें जब भी प्रिंट दिया जा रहा है या फोटोकॉपी किया जा रहा है तो पेपर यहाँ पे इस जगह पे पेपर फंस जा रहा है। ये देखिए पेपर फंस रहा है और ये एरर आ रहा है। उसके लिए आप क्या करें, पहले प्रिंटर का पावर ऑफ कर दें और ऑफ हो जाने के बाद इस पेपर को बाहर निकाल लें। ये जो पेपर इस पेपर को बाहर निकालने के बाद ये जो पेपर फंसा हुआ है इसको बाहर निकालना है। ये देखिए पेपर मुड़ जा रहा है, प्रिंटर पेपर अंदर नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये सामने वाला पैनल ओपन कर लें। पैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ चेक करना है कोई पेपर तो नहीं फंसा हुआ है, तो इसके लिए फ्लैश लाइट ऑन कर दे रहा और चेक करना है कि कोई पेपर वगैरह या कोई सिक्का वगैरह या कोई पेन का कैप या कुछ भी आप देखिए प्रिंटर में कुछ फंसा तो नहीं है, यहाँ तो नहीं लग रहा है। अब हम इस हेड को तो आप क्या करना है, कभी कभी क्या होता है आपने जब टर्न ऑफ किया प्रिंटर और ये हेड राइट लेफ़्ट नहीं हो पा रहा है, फंसा हुआ है, तो आप ऑन करके ऑफ़ कर देंगे तो ये लेफ़्ट राइट होने लगेगा और पेपर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। तो इस जगह पे भी पेपर नहीं है, यहाँ पे भी पेपर नहीं है और ना ही यहाँ पे पेपर है, कोई पेपर फंसा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस हिस्से को आप बंद कर दें और बंद करने के बाद इसका जो पावर केबल है इसको बाहर निकाल दें और पावर केबल बाहर निकालने के बाद USB केबल वगैरह भी जो लगा हो बाहर निकाल दें। प्रिंटर को आपको बैक साइड पे करना है, उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इसको ऊपर की तरफ करना है। ऐसे ऊपर की तरफ करने के बाद ये यहाँ पे ये हिस्सा दिखेगा आपको, ये हिस्सा दिखेगा आपको ऐसा, इसको ओपन करना है। इसको ये यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा और ये भी खुल जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे आपको चेक करना है अंदर कि यहाँ पे कोई पेपर वगैरह है कि नहीं। तो सामने की तरफ तो नहीं दिख रहा है, आप दोनों कोने पे भी देख लें, मैं फ्लैश लाइट ऑन कर दे रहा, सामने की तरफ तो नहीं दिख रहा है ना ही इधर दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है। ये देखिए पेपर फंसा हुआ है, ये पेपर देखिए फंसा हुआ है, इसी के कारण एरर आ रहा है, प्रिंट नहीं ले रहा है ना ही फोटोकॉपी हो रहा है। इस पेपर को आप बाहर निकाल लें। इसको बाहर निकालने के लिए आपको चिमटी की ज़रूरत होगी और अगर चिमटी नहीं तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, या अगर हाथ से ना निकले तो चिमटी से या किसी चीज़ से ज़रूर निकाल लें इसको। तो ये मैंने ऊपर कर दिया है और चिमटी से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये पेपर फंसा हुआ है, ये हिस्सा देखिए टुकड़ा इतना फंसा हुआ था जिस कारण पेपर एरर आ रहा था, या E4 एरर आएगा, कोई भी प्रिंटर में एरर आ रहा है पेपर से संबंधित, तो ऐसे ही आप चेक करके ठीक कर सकते हैं। और ये पेपर निकल चुका है और भी मैं चेक कर ले रहा, दिख नहीं रहा है, अब मैं इसको बंद कर दे रहा। और प्रिंटर को बैक साइड पे करके पावर लगा रहा, और प्रिंटर का पावर ऑन कर रहा है। कमरा है तो पावर ऑन कर दिया है और प्रिंटर रेडी हो रहा है, लाइजमेंट कर रहा है प्रिंटर। तब तक ये लाइजमेंट कर रहा है, मैं पेपर को लगा दे रहा। तो पेपर लगा दिया है, अब आप चाहे फोटोकॉपी करके चेक कर लें या फिर प्रिंट निकाल कर चेक कर लें, तो मैं फोटोकॉपी कर रहा। ये देखिए ये रखा हुआ है पेपर और इसकी मैं फोटोकॉपी करके चेक कर ले रहा, ब्लैक या कलर, मैं ब्लैक कर ले रहा। पेपर पिकअप कर चुका है, देखिए यही पेपर वो जो फंसा हुआ था उसी को मैंने इस पर लगाया था, पेपर प्रिंट आउट किया है, फोटोकॉपी किया है और वही पेपर बराबर उठा चुका है, फोटोकॉपी कर चुका है। तो इसमें ऐसी कोई समस्या अगर आपके भी प्रिंटर में आ रही है तो प्रिंटर को बिना खोले और बिना कहीं ले जाए आप प्रिंटर को सही कर सकते हैं।